गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भैया आज है 15 तारीख, तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। और ये देखो, हाँ भाई ओए बोल दो यार। तो भैया देखो, सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, क्योंकि आज सुबह से हम इधर उधर पचर कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो भाई अभी आए थे और मैं सो गया, मैं थक गया था बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते करते। तो भाई अपना झंडा देखो क्या जोरदार लहरा रहा है, ऐसे लहराता हुआ अच्छा लगता है। बोले झंडा ऐसे लहराता हुआ ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और ऋषभ, ओए ऋषभ बोल तो दे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यार। है क्या 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 कैसा हंसता है, हंसते आज तू नहीं गया था झंडा स्कूल के अंदर। तो आज आपको पता है क्या हुआ, तो दिया तो गई फ्लैग होस्टिंग के लिए, स्कूल में बुलाया था उन लोगों को, और इनको बुलाया नहीं। तो सुबह सुबह से भाई ये मेरा माता खारा है, मेरे को भी जाना है। और इसके पापा दिया को लेने गए ना, तो इसको लेके भी नहीं गए। तो भाई फिर इसका मुंह सूझ गया, बोले मेरे को लेके नहीं गए, अकेले चले गए। तो अब आया है, और अब हम जब शाम को जाएंगे, वैसे तो अभी अपन जा रहे हैं, तो आते हुए देखेंगे अगर लाइटिंग चालू हो जाएगी तो अपन लाइटिंग भी कवर करके आएंगे, क्योंकि अपन जा रहे हैं राइड के लिए। तो अगर रास्ते में लाइटें वगैरह की चालू हो गई तो अपन राउंड मार के आएंगे, बढ़िया लाइटें वाइटें देख के आएंगे। बाकी तो अभी निकलते हैं, और रात को दिया ऋषभ के साथ भी जाएंगे कार से, रात को अपन भी चलेंगे कार से, है ना। बताओ बता 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 बड़ी बोलो, अरे बोल दे जल्दी, नहीं बोलना मुँह से बोल दे, मत बोल। तो ये भाई ऐसे एटीट्यूड दिखाएगा, इसलिए भैया अपन इससे नहीं पूछ रहे। तो अपन चलते हैं, हन्नी को मैंने फ़ोन कर दिया था तो वो भी रेडी बैठा हुआ है, अपन भी रेडी हो गए। तो मैं तो चाय पीने के लिए थोड़ा सा वेट कर रहा था कि चाय पीते और फिर निकलते, तो चाय पी ली और अपन निकलते, क्योंकि मौसम तो अच्छा ही हो रखा है आज। तो मौसम की तो जिसे कह जाए ना कि मौसम बेकार है, तो मौसम तो बेकार नहीं, मौसम तो अच्छा ही है। तो अपन भी निकलते और चल के आते हैं बढ़िया से। बाय बाय, ओए बाय। अपन हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए, और हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, बाहर कहाँ जाते हैं फिर देखते हैं। बट भाई तो हो गया रेडी, भाई का हेलमेट ये रखा और मेरा हेलमेट ये रखा। तो भाई हेलमेट उठाते हैं और निकलते हैं। अरे आजा। तो भाई मेरे को आए 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से भाई रेडी हो रहा है। तो भाई 15 मिनट से रेडी हो रहा है, तो अभी रेडी होता है और निकलते हैं। और मौसम जो अच्छा हुआ था ना भाई, मौसम ने जो वाट लगाई ना आज, तो भाई बाहर निकल रही है धूप, पहले निकल रही थी छाँव, अब हो गई है धूप। तो भैया मूड तो वैसे ख़राब हो गया, मगर निकल रहे हैं हम भी। ले आ जा भाई, चश्मा ला रहा है क्या, हैं चश्मा लगा के चल रहा है। मैं तो लगा नहीं रहा भाई, चश्मा लगा के चल रहा है। अच्छा ओ यार, नज़र वाला है, मैं तो भूल गया था, मैं देखा कौन सा चश्मा लगा रहा, पता नहीं यार, तो मेरे को पता नहीं था भाई नज़र वाला चश्मा लगा रहा। तो भाई क्या नज़र वाला चश्मा लग रखा है, तो ये लगाते हैं और निकलते हैं अपनी 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 मंजिल के लिए। और मंजिल देखते हैं आज कहाँ होती है, कोई अच्छी लोकेशन ही होगी, बस इतना पता है हमें। ऐसे घटिया लोकेशन पे हम जाते नहीं, हम जाते हैं तो बढ़िया लोकेशन पे जाते हैं। क्यों भैया नहीं, पहले मतलब जहाँ से पहले लोगों को मतलब पूरे जयपुर को पानी सप्लाई होता था। क्यों भैया नहीं, पहले भाई जहाँ से जयपुर को पूरे जयपुर को पानी सप्लाई होता था वैसी जगह आ चुके हैं ना। तो भाई गोड़ से देखो, ये है वो बांध, रामगढ़ बांध। तो भाई मेनली तो हम जिस जगह खड़े ही है रामगढ़ बांध, और ये यहाँ पानी भरता था भाई, पूरा पानी होता था किसी टाइम पर। और आज ग्रीनरी देखो, खैर लोगों ने बीच बीच में घर भी बना लिए और इधर एक रिजॉर्ट बन गया है। और भाई ग्रीनरी देखो यार, क्या गजब की ग्रीनरी है। तो भाई ये एक नंबर हो रखा है इस समय तो सीन। और कहते हैं कि बारिश के बाद में तो सीन वैसे ज़ोरदार हो जाता है, देखने वाला हो जाता है। तो आज हम निकले थे देखने के लिए कि भाई कैसा सीन हो रखा है। और यहाँ देखो बंदर देखो यार, यानी बंदर कितने सारे भाई, भाई बंदर तो खूब है। एंट्री करी हमने बंदरों के साथ में, मतलब इतने सारे बंदर थे ना, जिसके कहते नहीं, खूब सारे बंदर ही बंदर। उधर देखो भाई, उधर भी भंडारा लग रखा है भाई। क्या चीज़ वो रास्ता,
तो भाई देखो उधर से एक रोड जा रही है, हाँ नहीं वो भी मंदिर जा रही है, वो मंदिर जा रहा है, वो मंदिर के सामने से रोड गई है, वो मंदिर रहा वहाँ से सामने से रोड गई है गाँव की तरफ। गए तो थे लास्ट टाइम अपन, भूल गया क्या? तो बेसिकली क्या है, हम इस रोड पर पहले भी आ चुके हैं और काफ़ी टाइम पहले आए थे, हम चार जने आए थे, मैं, हनी और मोंटू और ईशू, दो जने और हैं जो पहले ब्लॉग में नहीं दिखे, तो उनको भी मिलाएंगे आप लोगों से। बट यार सोचो यहाँ कभी पानी हुआ करता था कितना सारा, जिसकी कोई हद नहीं की, और इतना पानी हुआ करता था कि पूरे जयपुर शहर को पानी पिलाया जा सकता था, पिलाया जाता था इस बांध से। बट कुदरत का खेल देखो, आज यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है, बस ये ड्राई होके रह गया, बस ऐसे सूखा होके रह गया। तो भाई पानी बचाना था मगर पानी उड़ाना नहीं था, लोगों ने इतना उड़ाया ना, है नहीं भाई? कुदरत का खेल देखो, कभी यहाँ पे कितना पानी हुआ करता था, सोच ये बांध के गेट खोलने पड़ते थे, करने पड़ते थे। बट आज के टाइम पे यहाँ पे कुदरत का खेल मान ले एक तरीके से, कि भाई यहाँ पूरा सूखा पड़ चुका है, जिसकी कोई हद नहीं, मतलब पानी की बूंद तक नहीं है, हैं कुछ भी नहीं बचा। तो भाई कुदरत, मतलब अपन लोगों ने अगर कहीं अच्छे अच्छे खेल कर रहे हैं तो वहीं बुरे खेल भी हुए हैं भाई। यही अपन कह सकते हैं कि भाई ऐसी हरकतें मत करो यार, कि पानी बचा लो, जो थोड़ा बहुत बचा है वो बचा लो, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में वो भी नहीं मिलेगा। फिर आप वही 20 रुपये की बोतल अपने को कितने की मिलेगी, एक 20 रुपये वाली बोतल 100 की, क्यों 500 रुपये की मान के चल। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, वैसे भाई जैसे पेट्रोल महंगा हो गया ना, वैसे पानी भी महंगा हो जाएगा, कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है। तो भाई ये देखो बंदरों का डर लग रहा है भाई मेरे को तो, ये इतने सारे हो रखे भाई, है भाई बंदरों का डर लग रहा है मेरे को तो, बंदर बहुत है। तो एक आधे ने अटैक कर दिया ना तो सारे भागते रहेंगे अटैक करने के लिए, बोला साई। तो भाई ये डर लग रहा है कि भाई एक बंदर अगर आया ना, वो देखो गुलामाटी चल रही है, ओ भाई गुलामाटी चल रही है इधर, एक्टिंग करके दिखा रहा है भाई, भाई एक्टिंग करके दिखा रहा है भाई, ये देखो ये रहा, वो दिखा रहा है थारा भाई हो गया अंदर, थारा भाई हो गया अंदर है, थारा भाई हो गया अंदर है, थारा भाई हो गया अंदर भाई, वो देखो देखो ना भाई ना, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, घसों भी लड़ाई हो रही है भाई। तो ये भाई लड़ रहे हैं, तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इनको लड़ने देते हैं और अपन अपने सीन को एंजॉय करते हैं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो हम सोच रहे हैं चाय पीने की, तो वहाँ पे चाय भाई की स्टॉल भी है बढ़िया वाली, चले चाय पीने, है भाई चलें चाय पीने, चाय पीने। तो वो देखो अंदर गाँव में बच जा रही है। तो बेसिकली क्या, इधर छोटे छोटे गाँव हैं खूब सारे आस पास में, और जयपुर से कितना किलोमीटर होगा ये, 40 किलोमीटर होगा ना। तो हम भाई जयपुर से टोटल 40 किलोमीटर आए हैं, ये देख लो आप। तो भाई देखो कुश्तियाँ चल रही है भाई, कुश्ती चल रही है, देखो देखो कुश्ती चल रही है, ओ भाई भाई यहाँ तो कुश्ती चल रही है बढ़िया वाली, कुश्ती चल रही है। तो कुश्ती चलने देते और अपन भी देखते सीन को, थोड़ा एंजॉय करते और फिर मिलते हैं आपको दोबारा, और चैनल पे बने रहना। अभी हम आपको आगे और देखते हैं, अगर थोड़ा सा अगर भगवान ने साथ दिया, सूर्य देवता ने, तो हम चलेंगे वहाँ नीचे की साइड, और अगर सूर्य देवता ने साथ नहीं दिया तो फिर हम यहीं से वापस हो लेंगे, क्योंकि रास्ता पूरा विदाउट लाइटों का है और भाई हम जा रहे हैं डे लाइट में वापस। दिखाता था सीनरी, हाँ दिखा दिया सब, दिखा दिया भाई पूरा व्यू दिखाया भाई। इधर देखो ये गजब से ऐसे ऐसे देखो, ये देखो भाई वो तो है यार पहाड़ी, ऐसा लग रहा वादियों में घूम रहे हैं अपन यार। तो भाई मगर ये मगर इस जगह को देख कर, मगर सीरियसली बताओ ना, बार बार इस जगह को देख कर लग रहा है कि यार पहले किसी टाइम पे इसमें कितना पानी होता होगा, और आज देखो इसमें मैं पानी का नामो निशान नहीं है, ड्राई हो चुका है सब कुछ। भाई गाड़ी जा रही है हनी, बुलेट जा रही है हनी, बुलेट जा रही है, देख बुलेट जा रही है भाई। तो भाई हम बांध से तो निकल आए थे और अब हम पी रहे नीचे चाय, तो बांध तो रह गया वहाँ पे, और हम आ गए नीचे बांध के नीचे चाय पीने के लिए। भाई चाय कैसी है, चाय कैसी है, है नहीं है ना, मेरे को तो सही बना, चलो ठीक है काम चला हुआ है। तो भाई चाय पी रहे थे दोनों जने बैठ के, भाई कचौरी वचौरी खा ले, तू तो मेरी भरोसे मत रहे, खा ले ले ले, कल को वीडियो इसलिए बना रहा, तू कहते बोले खिलाई नहीं पूछी नहीं। तो भाई मेरे को अभी चाय के कचौरी के लिए ऑफर कर रहा था, बोले कचौरी खा ले, तुम्हारा मैं तो नहीं खाऊंगा भाई ठंडी कचौरी, भाई एसिडिटी होती है, अगर तुझे खाना हो तो तू खा ले, तो भाई तो मना कर दिया, मैंने भी नहीं खाई। तो ये देखो गांव की ये खासियत अच्छी लगती है कि यार जानवर है ना पास में आ जाते हैं। नहीं नहीं अरे पकड़ नहीं यार, एक बार पकड़ 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 पकड़,
वो भाई उसको देख, वो पानी की बोतल लेके देख क्या कर रहा है भाई, पानी की बोतल लेके मस्ती कर रहा है वो। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने आए हैं। तो भाई इधर ये छोटी छोटी दुकानें हैं, ये यार बार बार डस्टबिन में बेटा नहीं यार भाई होती नहीं रही। जाके आ गए हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी हम घर आए क्योंकि भैया मेरे को दो तीन काम थे और एक अर्जेंट काम था जिस वजह से मेरे को भाग के आना पड़ा। तो हम जल्दी जल्दी तो आ गए। तो बीच में आप लोगों ने थोड़ा सा सीन भी देखा होगा कि अच्छी लाइटिंग हो रखी थी और ट्रैफिक इतना गंदा था ना, हमें मतलब आधे घंटे में जल्दी से जल्दी पहुँचना था बट हमें दो घंटे लग गए, फिर वो काम भी नहीं हो पाया। हन्नी को भी काम था और मुझे भी काम था। और सीरियसली बताओ ना, देखो आते ही हमारे साथ क्या सिचुएशन हुई। तो भाई ये देखो हमारे कपड़े ऐसे सूख रहे हैं और पूरे गीले थे, हम पूरे गीले हो चुके थे, पूरे गंदे वाले गीले हो गए थे। और ये देखो कैसे हंस रही है मोटी, क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है मोटी, बोलना मुँह से। बकरी की तरह मत हंसा कर, डेली व्लॉग्स है, माय व्लॉग्स नहीं है। बकरी बकरी तो इसको है ना, सीरियसली बताओ ना, मैं मेरी इच्छा तो इन दोनों के साथ जाने की थी बट अब नहीं जा सकते। मैं रात को फिर दोबारा जाता बट अब नहीं जा सकते। उसका कारण ये है कि हमारे घर पे आ रहे हैं गेस्ट, पर हम फिर भी जाएंगे। हमारे घर पे आ रहे हैं गेस्ट, अभी कोई कंफर्म नहीं कितने बजे, कितने बजे तक आएंगे कुछ आइडिया है? 10:40 पे आएंगे। अच्छा 10:40 पे, अगर बस से आ रहे हैं या ट्रेन से? जयपुर पहुँच जाएंगे बस से। तो भाई अभी तो हम थे घर पे और घर से निकल कर अभी हम आ चुके राजस्थान यूनिवर्सिटी क्योंकि भाई को काम था, भाई को मतलब कुछ एक शॉर्ट्स चाहिए थे। तो भाई मेरे पास आके बोला कि आज चलते हैं अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी चल के आते हैं और रास्ते में थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी शूट करेंगे। तो भाई के साथ में आ गया मैं और मैं अभी आया हूँ एक्टिवा से। तो भाई अभी का जो एक्सपीरियंस था ना, इतना गंदा था ना, सीरियसली ब्लॉग बनाने की इच्छा तो कर रही थी बट इतना गंदा ट्रैफिक था जिसकी कोई हद नहीं। और ऐसा लग रहा है सब लोग लाइटिंग देखने निकले हैं घर से। और ये आया बेसिकली क्या, ये झंडे का शूट करने आया, तो ये झंडे का शूट कर रहा है और मैं यहाँ खड़ा होकर इसका वेट कर रहा हूँ कि आ जाए, फिर हम घर जाएंगे। और ये भाई तो बिजी हो रहा है भाई, पता नहीं 5 मिनट से क्या शूट किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा भाई 5 मिनट से। तो फाइनली शूट हो गया कम्प्लीट, फाइनली हो गया। चलें कहाँ चलना है, घर या कहाँ चलना है, सिटी जेडीए। तो भाई अब हम जाएंगे जेडीए और जेडीए पे चलते हैं, फिर वहाँ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करते हैं। बट ये देख लो, ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी भाई, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का गेट है और इसके पीछे राजस्थान यूनिवर्सिटी है पूरी। तो मैंने आज ब्लॉग में भी दिखा दिया, अब चलते हैं। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन का किस चीज़ का आंदोलन चल रहा है, कट करना पड़ेगा तेरे को। अच्छा सर्च करना पड़ेगा, तो भाई को अच्छा कट करना पड़ेगा क्या, चलो ठीक है चलते हैं अपन भी आगे। आप हम इतने पूरे मतलब पूरे जयपुर में इधर उधर घूम रहे हैं। तो अभी हम आए कौन सा गेट है यार, ये नाम भूल गया मैं इसका, गेट का न्यू गेट। हाँ तो भाई ये है न्यू गेट भाई, एक्चुअली क्या याद नहीं रहता ये सब चीज़ें, और इतने सारे गेट हैं ना तो वैसे भी नाम याद नहीं रहते। तो भाई अभी हम आए न्यू गेट पर, जहाँ का जो डेकोरेशन हो रखा है ना, अल्टीमेट डेकोरेशन हो रखा है। और उसके आगे जो कैलका टोल, जहाँ भी कैलाश खेर का शो चल रहा था और अभी भी शायद तक चल रहा होगा पता नहीं। और भाई इधर है सिनेमा हॉल गोलचा सिनेमा, और भाई ये इधर पीछे सारी किताबों, ये इधर की साइड में सारी किताबों की मार्केट है, ये सारी मार्केट किताबों की है। और सामने न्यू गेट भाई, डेकोरेशन अच्छा हो रखा था, तो डेकोरेशन अच्छा हो रखा था। और अभी अभी मैं और रोहित भाई हम दोनों निकले थे शहर के लिए,
तो ये हम पूरे मतलब जयपुर में जहाँ जहाँ लाइटिंग हो रखी है वहाँ वहाँ घूम के आ रहे हैं। और ये अब रिसर्च कर रहा है, अब कहाँ चलना है, इसके बाद में कहाँ का प्लान है, इसके बाद में हवा महल पर नहीं है, देखे मैं देख लिया हवा महल पर नहीं है, क्यों मैं ना रामगढ़ होते आए थे ना तो उधर कुछ भी नहीं था, अब उसके अलावा और कोई प्लान, तो अभी तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं थोड़ा सा इन्जॉय, एक दो शॉट लेते हैं बढ़िया से वीडियो वाले, जो आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा, और शायद तक हमें भी एल्बर्ट हॉल थोड़ा सा झरकी देखने को मिल जाए, तो एल्बर्ट हॉल की भी झरकी देखते हैं और फिर निकलते हैं, देखते फिर आगे का क्या रहता है फाइनल। तो भाई इस समय हम आ चुके हैं सरका सूली, तो ये दिखाना वीडियो में बहुत ज़रूरी था, और भाई कर रहा है बीच में इंतज़ार, चलें कैसा रहा ये वाला, सबसे बढ़िया ये लगा मेरे को, अल्टीमेट था है। बट ट्रैफिक कैसा, ट्रैफिक के लिए क्या बोलेगा आज के ट्रैफिक, ट्रैफिक को देखकर क्या बोलेगा, ये हो अमृत महोत्सव की। तो भाई ने दिल की बात बोल दी कि जय हो अमृत महोत्सव की, तो भाई आज सारी अमृत महोत्सव मनाने निकल चुके, बट यार इसका जो डेकोरेशन है ना वो बहुत अल्टीमेट है, एक नंबर है, मतलब जीतने वाला अल्टीमेट वाली चीज़ है ये, फर्स्ट में मतलब सबसे बढ़िया, मतलब हम लोगों को है ना, हम सारी जगह घूमे हैं बट ये जो जगह लगी ना सबसे अच्छी लगी, और ये देखो भाई जनता हमको क्या लगी, जितने भी लोग यहाँ निकल रहे हैं सभी रुक के वीडियो बना रहे हैं, मतलब सभी रुक के वीडियो बना रहे हैं, तो इस हिसाब से मतलब आप लोग भी देख सकते हो कि भाई इस रोड से जितने भी लोग निकल रहे आ रहे जा रहे हैं ना, तो सब लोग इसी का वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही है, और हवा महल पर तो बहुत तगड़ा डेकोरेशन था, हवा महल वाले डेकोरेशन के लिए क्या बोलोगे, तो हवा महल हम गए थे डेकोरेशन खींचने के लिए, बट हवा महल पर कुछ सही नहीं, बत्ती गुल थी और वापस आ गए, और अब हम खड़े हैं यहाँ पे इस समय सरका सूली के नीचे, तो अब कहाँ चलने का इरादा है भाई, कहाँ चलने का इरादा है घर या आगे कहीं और कहीं चलने का, अच्छा कुल्फी खाएंगे, तो हम यहाँ से निकलते फिर खाते कुल्फी, और कुल्फी खाते हुए मिलेंगे कुल्फी तो कुल्फी खाएंगे, तो चलते हैं भाई चलें, सारी जगह घूम फिर कर वापस घर आ गए हैं, और अब ऐसे सिर दुख रहा है ना और नींद भी आ रही है, तो अभी आपको एक चीज़ बता दो ऋषि मित्रा कैसा लगा, मस्त, और तूने कितनी जोर से आग में मारी थी ना, मेरे शोरी भी नहीं बोली, बेटा तेरे को भी मैं मार के बताऊंगा कभी कैसी दर्द होती है, तो उसने क्या गाड़ी के अंदर बैठे बैठे इतनी ज़ोर से मेरी आग में मारी ना, मेरा आँख में मतलब थोड़ी देर तक तो इतनी ज़ोरदार दर्द हुई ना जिसकी कोई दिन, और उसके बाद मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया, तो ये सारी गधे की देन थी, और अभी भी देखो इसको शर्म नाम की चीज़ दिया, गधे को सॉरी बोल दिया या फिर कुछ और, फ़र्क ही नहीं पड़ता इसको तो, है ना नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता भाई नहीं पड़ता है ना, है फीलिंग ही नहीं है ना, दो थप्पड़ पड़ेंगे फीलिंग भी आएगी, देख खाएगा थप्पड़, बोल 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 खाने है क्या थप्पड़, चलो 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 बड़े बच्चे हो आप, चलो बता शर्म नाम की चीज़ नहीं ना गधे को, देखो कैसी हरकतें कर रहा है, तो भाई और मोबाइल के चार्जर चाचा अंदर ही है, तो भाई आज बढ़िया वाली थकान हो रखी है, और अब ऐसी नींद आएगी ना जिसकी कोई हद नहीं, तो फाइनली इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे अच्छे से वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।